straight from the mud. There's dirt on my hands. Alright, hey guys, आप सबका welcome है मेरे इस tutorial में. और आज मैं आपको बताऊंगा कि अपने जैकेट को कैसे रिप्ड बनाते हैं, फटी हुई टाइप जो जीन्स टाइप होती है जैकेटें. और यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरी जो भी जैकेट है वो बिल्कुल क्लीन शिट है, कोई वो नहीं है, कहीं से भी रिप्ड नहीं है. और ये सारे जो भी रिप्ड फैब्रिक्स के PNG हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड लिंक दे रखी है उनकी, आप जाके वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं और आराम से डाउनलोड कर सकते हैं. और मीडिया फायर की भी शायद मैं लिंक डाल दूंगा और वहाँ से अभी आप निकाल लेंगे और इजीली निकाल सकते हैं ये पूरी चीज़. तो यहाँ ये रिप्ड फैब्रिक्स के आप देख सकते हैं बहुत सारे मैंने PNG आपके लिए क्रिएट कर रखे हैं पहले से ही. तो यहाँ मैं ऐड करता हूँ पहली PNG. पहली PNG को हम कहीं अच्छे से रिसाइज करके लगाते हैं जहाँ पर लगे कि हाँ ये परफेक्ट है. और डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप है, कोई इसमें रिप्ड फैब्रिक में ये नहीं है कि आपको प्रॉब्लम होगी कि यार मुझे कट करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है. आप देख सकते हैं यहाँ कितना रियल लग रहा है वो पहले से ही फैब्रिक. सो आपके लिए पहले से ही सब कुछ डन है. अब यहाँ मैं करता हूँ दूसरी ऐड और ये दूसरी है. और इसमें भी मैं ज़ूम कर लेता हूँ अच्छे से. और यहाँ आप देख सकते हैं अगर मैं इसे यहाँ प्लेस कर दूँ तो ये परफेक्ट ब्लेंड हो जाएगी यहाँ पर. और कुछ करने की ज़रूरत नहीं, कोई ब्लेंडिंग मोड चेंज नहीं करनी है. और आप देख सकते हैं कितना रियल लग रहा है ये. इसके बाद मैं ऐड करता हूँ दूसरी और ये वाली PNG. और ये इस बार मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अपने लेफ्ट हैंड राइट हैंड पे, लेफ्ट पड़ेगा ये शायद मेरा. सो अगर मैं ये यहाँ ऐड करता हूँ तो देखिए कितनी रियल लग रही है. और आप दूर से देखेंगे तो भाई बिल्कुल रिप्ड लगेगी है. और प्लीज़ ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आती है. और तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपने कोई भी PNG डाउनलोड करी है, क्योंकि सब्सक्राइब करने से मुझे सपोर्ट मिलता है और मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स क्रिएट करता हूँ. सो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे लग रहे हैं. और मेरे पे बहुत सारी इसकी PNGs हैं तो ये एक और ऐड करते हैं. सो ये ऐड करूँगा मैं बिल्कुल हैंड के कॉर्नर पे, क्योंकि मेरे को चाहिए यहाँ बाजू के पास भी रिप्ड होती हैं कई होगी जीन्स, तो होनी चाहिए यार. तो यहाँ आप देख सकते हैं कितने आराम से मैंने सारी ऐड कर दी हैं PNGs और मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं आ रही है. और कट करने की तो कोई बात ही नहीं है. तो ये भी आपके लिए बहुत फ्रेंडली हैं और अच्छी हैं. और इसको ऐड कर देता हूँ इधर, क्योंकि इधर कुछ है नहीं रिप्ड वाला. तो यहाँ ऐड करा है मैंने, तो ये देख सकते हैं आप कितना रियल लग रहा है. अब मैं ऐड कर देता हूँ अपनी लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये वाली PNG को हम कहीं डाल देते हैं अच्छे से. लाइक वर्टिकल में होती है कई, तो वर्टिकल में भी यूज़ हो जाएगा ये. इसको बस यहाँ रखते हैं. तो यहाँ आप ये देख सकते हैं कितना एस्थेटिक लुक लग रहा है. और ये PNGs कितने अच्छे से इस पर फिट हो गई हैं. और कोई ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं है, कोई टूल में नहीं जाना आपने, यहाँ से कुछ नहीं करना है, ना FX में जाना है, ना कहीं जाना है, बस डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप है. और जो फोटो एडिटिंग 4 कॉम्पिटिशन है वो भी जल्दी होने वाला है. जस्ट मेरे 20K फॉलोअर्स हो जाएंगे जब, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर भी सपोर्ट करें. और वहाँ पे मैं कंपटीशन हेल्ड करता हूँ और वो मैं आपकी फ़ोटोज़ रिव्यू करता हूँ और जिसमें मैं ईमेल आईडी डालता हूँ. और बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन है तो इस बार कमेंट डाउन करें, क्योंकि मैं इस बार कमेंट भी पढ़ रहा हूँ इस वीडियो के, क्योंकि मुझे लगता है बहुत लोगों के क्वेश्चंस हैं. तो प्लीज़ कमेंट डाउन करें अपनी जो भी क्वेरीज़ हों उसके हिसाब से, और जो भी आपको अच्छा लगता हो वैसे करें. एंड थैंक यू गाइस इस वीडियो को देखने के लिए. चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें.